ओली में हो रही 200 करोड़ की शाही शादी को स्थानीय लोगों ने सही ठहराया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये शादी ओली के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन इस और पर्यावरण को भी ध्यान में रखना होगा ताकि पर्यावरण को कोई खतरा ना पहुंच सके। हालांकि ओली होने वाले पर्यटकों को इस शादी के कारण कुछ परेशानियां भी उठानी पड़ रही हैं। इतना बड़ा एक आयोजन हो रहा है, ये सब कुछ नियम कानून को देख के हो रहा है। यहाँ पे ओली में इतना बड़ा आयोजन हो, उत्तरांचल को पहचान मिलेगी, मगर कोर्ट ने जो अभी यहाँ पे हेलीकॉप्टरों पे रोक लगाई है, उस पे लगाने से कोई इतना इस पर असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये आयोजन एक ओली को अलग से पहचान देने वाली है और सब लोगों को यहाँ पे लोकल लोगों को रोजगार का एक अवसर उपलब्ध हो रहा है। क्या लोगों में निराशा है कोर्ट के फैसले के बाद? हाँ बिल्कुल, लोगों में बहुत निराशा है कि कोर्ट का जो डिसीजन आया बहुत ही निराशाजनक है। कि 200 करोड़ की शादी यहाँ पे हो रही है तो फर्स्ट टाइम देखेंगे, पर इधर तो लेट है शादी, बट सोच के तो यही आए थे कि 200 करोड़ की शादी देखने को मिलेगी, बट ये भी देख रहे हैं तो काफी अच्छा लग रहा है। ओली किस तरीके का नज़ारा है आपको? काफी अच्छा वेदर है, अगर घूमने के लिए उत्तराखंड में कोई भी जगह है सिलेक्ट करो तो ओली ही करनी चाहिए मेरे हिसाब से। वहीं इस शादी को लेकर अनिल गुप्ता का कहना है कि उनकी माँ की इच्छा थी कि इस शादी को उत्तराखंड में करवाया जाए। देवभूमि है और सभी भगवान का, सभी देवी देवताओं का यहाँ निवास है। हमारी माता जी का यहाँ से बहुत ज़्यादा लगाव है, अक्सर वो यहाँ आती हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन करती हैं और इसी के इसमें एक एक महीना हम लोग उनके साथ रहते हैं। और इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी प्रस्ताव रखा गया था, उस प्रस्ताव को हमारे द्वारा स्वीकार किया गया और हमने ओली का चुनाव किया। ये तो भव्य है, इससे बढ़िया नज़ारा कहीं हो नहीं सकता। नज़ारा क्या कहें, तो भगवान का मंदिर है। वही चमोली की जिलाधिकारी स्वाति का कहना है कि नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश का पालन किया जा रहा है और इस शादी पर प्रशासन बनाए हुए हैं। इसमें जितने भी माननीय उच्च न्यायालय के जो भी आदेश है उनका पूरी तरह से पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। इसमें 13 ऑफिसर्स की हमने ड्यूटी भी लगा दी है, जो कि विभिन्न चीज़ों को कि किस तरीके के वहाँ पे पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स लिए जा रहे हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं, वन्य जीवों को किसी प्रकार की कोई नुकसान ना हो और कोई भी जो नियम शर्तों के अधीन उनको जो भी अनुमति जिस भी विभाग द्वारा दी गई है उनका कोई भी उल्लंघन ना हो, ये सब की देख रेख के लिए हमने ऑफिसर्स की वहाँ पर ड्यूटी लगा दी और स्वयं भी मैं निरीक्षण करके इन जो भी निर्देश दिए गए उनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराऊंगी। आपको बता दें कि ओली में हो रही शादी पर गुप्ता परिवार के द्वारा 200 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस शादी में बॉलीवुड हस्तियों से लेकर राजनेताओं के आने की उम्मीद है। चमोली से न्यूज के लिए आर्यन सिंह की रिपोर्ट।